किस्मत को बदलने के लिए भगवान शनि देव का बहुत बड़ा योगदान होता है और आप शनि देव को प्रसन्न करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे तीन उपाय हैं जो करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखें कि तेल से और शनि से जुड़े हुए कुछ ऐसे योग हैं जो करके आप अपनी किस्मत को बदलने में सहायक सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अपने जीवन में जितने भी प्रकार के तेलों का उपयोग आप करते हैं, तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। चाहे वो खाने के तेल का हो, चाहे सर पर लगाने के तेल का हो, या बदन में तेल लगाने की बात हो, तो किसी भी प्रकार का जो तेल आप उपयोग में लाते हैं उससे शनि देव नाराज भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से तेलों का उपयोग करके शनि भगवान को प्रसन्न करके आप अपनी किस्मत को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख तीन उपाय बताने वाला हूं जिसे करके आप भगवान शनि को प्रसन्न करते हैं। शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या शनि भगवान के किसी भी प्रकार के कष्ट से, शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से जो होने वाले कष्ट हैं उनसे अगर आप गुजर रहे हों और आपको ये लग रहा हो कि भगवान शनि के नकारात्मक दृष्टि के कारण ही मेरी स्थिति हुई है, तो आप इन उपायों को करके अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। तो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि सरसों का तेल लेना है। लोहे की कटोरी अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लोहे की कटोरी में शनिवार की शाम को सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। चेहरा देखने के बाद भगवान शनि के मंदिर में ले जा कर के वहां रखें और भगवान शनि को नीले रंग का फूल अर्पण करें तथा वहाँ बैठ करके भगवान शनि जी के मंदिर में या उनके पास कहीं बैठ करके आप एक माला शनि देव के मंत्र का जप करें। यह क्रिया 3 शनिवार अगर आप करते हैं तो आपकी किस्मत आपके पक्ष में आने लगेगी और शनि भगवान के द्वारा जो कष्ट हो रहा है, ग्रह की नकारात्मक दृष्टि के कारण जो कष्ट हो रहा है वो दूर होगा। दूसरे नंबर का उपाय है कि तिल के तेल का उपयोग। कोई भी व्यक्ति घर में अगर बीमारी से जूझ रहा है, किसी प्रकार का उसे स्वास्थ्य खराब हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार तो नहीं हूँ लेकिन स्वस्थ भी नहीं हूँ, तो इसके कारण में भी कहीं न कहीं शनि देव का प्रभाव आता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि तिल के तेल का दिया, मिट्टी का दिया ले लें। मिट्टी के दिए में तिल का तेल भर करके लंबी बत्ती लगा करके शनिवार से शुरू करें। लगातार 41 दिन तक अगर तिल के तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे आप जलाते हैं या भगवान शनि के मंदिर में जलाते हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंता बनी रहती है वो सदैव के लिए दूर हो जाएगी। तीसरे नंबर का उपाय चमेली के तेल का उपाय है। यह चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही पसंद है, तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके अगर हनुमान जी के शरीर पर लेप करते हैं, उनको लेप लगाते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, दोनों दिन में से किसी भी दिन लगा सकते हैं। यदि आप लेप लगाते हैं इस तरह से 9 शनिवार या 9 मंगलवार, तो आपके किस्मत पे जो शनि ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह दुष्प्रभाव दूर होगा और शनि भगवान आपकी किस्मत में आपका साथ देने लगेंगे। जन्म कुंडली में अगर उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो दूर होगा, सकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगेगा और आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी, किस्मत का सितारा बुलंद होता जाएगा। ये 3 उपाय करके भगवान शनि देव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। संभव हो तो तीनों उपाय कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई भी एक उपाय करके भी आपकी किस्मत बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी प्रकार के विचार लिख करके भेजते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा ताकि आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।